वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो आज है गुड़ी पाड़वा और चैत्र नवरात्रि का आज से पहला दिन है। पहला उपास है आज नवरात्रि का। तो यहाँ पर मैं पूजा करी थी तो मैंने कहा चलिए आप लोग को भी अपनी माता रानी के दर्शन करा देते हैं और आप सबको हैप्पी नवरात्रि। और आज गुड़ी पाड़वा भी है तो उसकी पूजा भी करी थी मैं। उसके बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो आज से जो है चैत्र नवरात्रि शुरू हो गई है। तो अभी आप लोगों ने देखा मैंने पूजा की थी तो मैंने कहा चलिए आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ और फिर उसके बाद बाकी के काम करूंगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। और कैसे हैं आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। उसके बाद मैं आ गई हूँ कावे के लिए नाश्ता बनाने के लिए। और मैं ना गुड़ी पाड़वा को बहुत अच्छे से पूजा करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पर एक तो मार्केट बंद है, कुछ भी सामान नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगली साल अच्छे से कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं अभी मैं इनके लिए बनाने वाली हूँ लंच। तो यहाँ पर आज ना बहुत लेट हो गया था, मतलब मॉर्निंग में पूजा वगैरह किया था, फिर घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई भी मैंने आज ही मॉर्निंग में ही की थी। तो फिर ना मैंने कहा कि अभी मैं चपाती भाजी नहीं फ्राई राइस बना देती हूँ, जल्दी से झटपट बन जाएंगे। तो इसलिए मैं ना आज इनको टिफ़िन में फ्राई राइस ही बना के दे रही हूँ और ज़्यादा कुछ रेसिपी शेयर नहीं की क्योंकि ये रेसिपी तो मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ आप लोग के साथ इसीलिए। तो यहाँ पर जो है मैंने चावल में हल्का सा कलर भी मिक्स किया था। तो यहाँ पर जो देखिए राइस बनकर तैयार है। साथ ही साथ में बनकर तैयार है हमारी चाय। तो चलिए चाय पी लेते हैं और आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ गर्मा गर्म चाय इंजॉय करते हैं। उसके बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। और ये देखिए ये ब्लॉग डायरेक्ट रात से हो रहा है शुरू क्योंकि यहाँ पर मैं खाना बना रही थी और मैं ना महाराष्ट्रियन थाली बना रही थी तो लेकिन ना लाइट की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि लाइट नहीं थी ना, तो इसीलिए मैं आप लोग के साथ ठीक से रेसिपी शेयर नहीं कर पाई। तो ये देखिए ये है आज की हमारी स्पेशल महाराष्ट्रियन थाली और कैसी लगी आप लोग मुझे बताइएगा। और आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ। तो चलिए डिनर कर लेते हैं और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग में। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट और मिलते हैं मॉर्निंग में। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो ये ब्लॉग चल रहा है कल से नहीं शायद चैत्र नवरात्रि का पहला दिन था और गुड़ी पाड़वा था तब से। और मैं यहाँ बैठी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है तो यहाँ पर मैंने पॉपअप शुरू किया है। तो मैंने कहा चलिए मैं आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ। और ना मैं यहाँ पर इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर करने वाली हूँ मेकओवर। तो सोच रही थी कि किस तरीके से करूँ मेकओवर यहाँ का और बहुत जल्दी यहाँ का अच्छे से मेकओवर करने वाली हूँ मैं। वैसे तो सोच रही है मैंने कि मैं क्या करने वाली हूँ। मैं सोच रही हूँ ना कि यहाँ पर मैं एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाऊँगी अपनी क्योंकि मुझे लाइब्रेरी बहुत अच्छी लगती है। बुक पढ़ना, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अपने ब्लॉग में कि मुझे बुक पढ़ना बहुत पसंद है, तो यहाँ पर एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाने वाली हूँ और यहाँ पर ही अपने वीडियो वगैरह भी शूट किया करूँगी। तो बहुत ही अच्छा, बोलते हैं ना घर का एक ऐसा कोना होना चाहिए जो मतलब बहुत जहाँ बैठे बुक वगैरह पढ़े तो हमें सुकून मिलना चाहिए, तो वैसा ही एक कोना बनने वाला है अभी यहाँ पर। और मैं देखूँगी कि वो बहुत अच्छा लगे और ज़्यादा भरा भरा सा भी ना हो और देखने में सुंदर हो, बहुत अच्छा लगे और ऐसा ना लगे कि बहुत ज़्यादा मैंने सामान वगैरह यहाँ पर रख दिया है। सब कुछ बहुत अच्छे से यहाँ पर करना है ताकि दिखने में अच्छा लगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पीछे दरवाज़ा है, मेन गेट है हमारा, यहाँ से एंट्री होती है। तो जब कोई यहाँ से आए तो आने के बाद उनको ये जो सामने वो देखने मिलेगा तो लगना चाहिए कि वाह बहुत अच्छा है, ऐसे घिसी मिसी जैसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सोच समझ कर बहुत मैंने सोचा है यहाँ पर मुझे क्या करना है, कैसे करना है। बस थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे चाहिए होंगी। तो वैसे तो मार्केट पूरी तरीके से बंद है तो मैं सोच रही हूँ कि देखूँ ऑनलाइन कुछ मंगा लूँ, अभी देखते हैं क्या होता है। और बहुत जल्दी आप लोग को ये मेकओवर जरूर मिलेगा और ये घर का कोना बहुत ही अच्छा सा बनने वाला है तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और हाँ, मुझे ना पहले बहुत कमेंट भी आते थे इस बारे में कि मेरी वीडियो में ना मतलब थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा होता है, लाइट की बहुत प्रॉब्लम है, तो
तो प्लीज़ अब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अब भी वैसा ही लगता है। जैसे लाइट के बारे में मैंने सोचा है, मैं लाइट का भी बहुत जल्दी करने वाली हूँ, क्योंकि पूरा हमें ना अपने पूरे घर को कलर वगैरह करना है अभी, और फिर सोच रही हूँ कि लाइट का भी थोड़ा सा देखती हूँ, लाइट भी ऐसी करूँगी ताकि जब मैं वहाँ से यहाँ पे रख के जब मैं शूट करती हूँ ना वहाँ उस साइड का, तो बहुत अंधेरा दिखता है ना, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे भी देखती हूँ अभी मैं कुछ करने वाली हूँ। और बहुत जल्दी बहुत अच्छे से अपने घर को मेकओवर करने वाली हूँ, पूरे घर को मेकओवर करने वाली हूँ पहले की तरह फिर से। पहले जो किया था वो काफ़ी पसंद आया था मुझे और सबको बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन इस बार सोच रही हूँ कि अलग अलग तरीके से करूँ पूरे घर को मेकओवर, देखते हैं अभी क्या होता है। सोच लिया है वैसे तो मैंने कि क्या करना है मुझे। बहुत जल्दी आप लोग को मेरे घर का पूरे घर का लुक चेंज मिलने वाला है, पूरा घर जो है मेरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने सोचा है इस बार कुछ अलग तरीके से मेकओवर करना है। लेकिन हाँ, सबसे पहले यहाँ का मेकओवर करूँगी मैं, यहाँ पर कलर वगैरह करना है, मेकओवर करना है यहाँ पर पहले करूँगी, फिर उसके बाद पूरे घर का करूँगी। सब धीरे धीरे ही होता है ना, सब एकदम से नहीं कर सकते। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का करती हूँ भाई यहाँ पर ही एंड, और मिलूंगी आप लोगों से बहुत जल्दी एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, और आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, आप सब मुझे सपोर्ट कीजिए, अपना साथ दीजिए, तभी मैं भी आगे बढ़ पाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्दी एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।